कुछ तो किया है कांड के, ये भगवान बेचारा वो हंडी लेके बैठ गया है, है ना? ए, ए। तो आज हमारे घर पे होने वाली है बिरयानी पार्टी और हम बना रहे हैं बिरयानी। तो मैंने चिकन धो लिया है, चावल भी भिगा दिया है मैंने, और ये मसाले के लिए मैंने मिर्ची, लहसुन, प्याज, अदरक लिया है। तो मसाले वगैरह सब पीस लेते हैं, और इतना सा जीरा इसको भूज लेंगे तवे पे हल्का हल्का, उसके बाद सब एक साथ मिक्सर में ग्राइंड कर देंगे। गरम मसाला ऐड कर लेंगे, पीस लिया है, इसको अलग ही रखेंगे, मसाले में मिक्स नहीं करेंगे। तो सब रेडी हो गया है, अब इसमें मिक्स कर लेंगे सब ये मसाला जो हमने पीसा था, ये सब डाल देंगे इसमें भूज के। मिर्ची पाउडर, मसाला शाही बिरयानी मसाला, चिकन हमारा 2.5 kg है, ज़्यादा मसाला जाएगा, नमक थोड़ा सा, धनिया पत्ता, परेशान कर देता है। सॉरी गाइस, मैं टमाटर और नींबू डालना भूल गई थी, तो टमाटर 2 और 1 नींबू उसमें मिक्स कर देंगे और पीस के, बड़ी इलायची 1, दालचीनी इतना, छोटी इलायची 4-5 डाल देंगे, लौंग डाल देंगे 5-6 लौंग डाल देंगे, और 1 नींबू निचोड़ देंगे इसमें पानी में, नमक, और पानी को पूरा खौलने देंगे। खौलने के बाद इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। हमारा खौलने लगा है, अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चूल्हा तो फिर मिला है। इधर हम प्याज को फ्राई कर लेंगे पूरा ब्राउन कर, ब्राउन जैसा। आंटी छान रही है, हमारी आंटी जी, रुकिए मैं कर। इसमें हम थोड़ा सा तेज पत्ता, जीरा, हींग और इलायची वगैरह डाले हैं, इसके बाद चिकन डाल देंगे। चिकन हो गया है, अब जा रहे हैं हम लोग लेयरिंग करने। ओके, तो लेयरिंग करते हुए दिखाती हूँ मैं, मैं नहीं दिखाऊंगी, आंटी दिखाएंगे। स्टार्ट करते हैं लेयरिंग करना। पहले मैंने ऑयल लगा दिया है इसमें, अब नीचे चावल रखेंगे थोड़ा सा। चावल सही पका है? 1, 2, 3 चलो थोड़ा
बरिस्ता लो ये इसको ये बोलते हैं, मुझे पता ही नहीं था क्या बोलते हैं। बरिस्ता ये जला हुआ प्याज। कम पड़ेगा क्या? ठीक है, कम नहीं पड़े, बस बस उतना काफ़ी है। अभी तीन चार लेयर होगा ना बिरयानी मसाला, हैंडमेड, जो मैंने होम मेड। काफ़ी है, काफ़ी काफ़ी है, ज़्यादा हो जाएगा, छोड़ दो, ध्यान से देना है बस। थोड़ा सा तेल दो, थोड़ा धनिया पत्ता दे दो, बस काफ़ी है। चिकन दो अब। ये मेरा वाला लेग पीस है, ठीक है? सेम चीज रिपीट। अभी जा रहा है दम पे। ये लग रहा है हमारा दम, और इधर दूध गर्म हो रहा है गुग्गू के लिए। दूध रोटी खाएगा गुग्गू, गुग्गू बिरयानी नहीं खाएगा। और इधर मैंने रायता बना के रख दिया है, सॉरी इसका मैं रेसिपी नहीं दिखा सकती, बाद में दिखाऊंगी। और लाइन में खड़े हैं आंटी लोग, आंटी सॉरी, और ये रितु, ठीक है? लाइन में खड़े हैं बिरयानी खाने के लिए। सुबह से ही लाइन में लगे हैं, लेकिन अभी तक टाइम कितना हो गया, दो ढाई बज गया, लेकिन अभी तक बना नहीं। हाँ, और उधर गुग्गू क्या कर रहा है? गुग्गू क्या हो रहा है? गुग्गू कुछ तो किया है कांड ये, दे भगवान। देखा और मैं आप लोग को बताने वाली थी ना हमने शॉपिंग क्यों किया, तो शॉपिंग हमने इसलिए किया क्योंकि हम जा रहे हैं कल गांव, और ये सब पैकिंग करने के लिए रखा हुआ है सारा, ये गुग्गू का है, थोड़ा बहुत मेरा भी है। तो देख सकते हैं क्या हालत है अभी बेड की। तो अभी पैकिंग किया नहीं है हम लोग ने, अभी पैकिंग करना बाकी है। गुग्गू बक क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये क्या पोज दे रहा है क्या? गुग्गू देखो पोज दे रहा है क्या? हाँ छोड़ दो छोड़ दो, तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दो, इधर आओ इधर। दूध भागा भागा गुग्गू भागा भागा। ए मैं इधर ही हूँ, बंद क्यों कर रहे हो? दरवाजा बंद कर दिया। नहीं गुग्गू, गुग्गू कहाँ छुपा हुआ है? गुग्गू कहाँ छुपा हुआ है? देखो 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 कहाँ छुप रहा है गुग्गू, देखो। ये खुल रहा है, खुल जा सिम, खुल जा सिम सिम सिम। आ ये
कैसा लगा भाई साहब? बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। और आप बहना आप बताइए। अच्छा बना, अच्छा बना है। ओ भाई साहब इधर आओ, आप बताओ कैसा बना है? बेचारा वो हंडी लेके बैठ गया है ना? एए, एए। बाबू इधर कर देना है। सो गाइस आज का हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और गुगु को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। Ha ha ha.